नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सृष्टि को बचाना है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें, 27 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है समानांतर और 32 फीट तक ये गड्ढा पैरेलल खोदा जाना है। दरअसल रेस्क्यू के लिए ये कन्वेंशनल मेथड अपनाया जा रहा है, रॉड के जरिए बोरवेल में उसे हुक डालकर कैमरे से मॉनिटर कर रही है रेस्क्यू टीम। और आपको बता दें कि पथरीली जमीन होने की वजह से खुदाई में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। 17 घंटे से बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है और 3 साल की सृष्टि जो इस वक्त 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और कैमरे से बच्ची को देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका कोई खास मूवमेंट वहां पर, चूंकि जगह बहुत संकरी है, वहां पर क्या मूवमेंट अगर अब जो बच्ची 16 घंटे से अगर 17-18 घंटे से अगर गड्ढे के अंदर फंसी हुई है तो वो क्या मूवमेंट करेगी, ये भी अंदाजा लगाना बहुत सहज है। और बहुत चूंकि बच्चे की स्थिति वहां पर सांस लेने में उसे तकलीफ ना हो और वो किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें चूंकि उसका भी कुछ थोड़ा सहयोग चाहिए होगा, जब नीचे हुक्स डाले जाएं वो पकड़े या उस हुक्स को किसी तरह से अगर उसके कपड़ों में फंसाया जाए या कुछ भी प्रयास, क्योंकि हर तरह का प्रयास, हर एक संभव कोशिश, हर एक संभावना को यहाँ पर जो है अमल में लाया जा रहा है, किसी भी तरीके से बच्ची को बचाया जा सके, ये प्रयास अभी भी लगातार जारी है। दरअसल 50 फीट से ज्यादा की गहराई पर खिसक गई सृष्टि, अभी जानकारी मिल रही है, वाइब्रेशन के चलते अब वो नीचे खिसक गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और देरी हो सकती है, क्योंकि अभी 17 घंटे का लगभग वक्त हो चुका है और यहाँ पर वो करीब करीब 30 फीट पर मौजूद थी और 27 फीट तक गड्ढा खोदा गया था और पत्थर को काटने के लिए जब रॉक कटर का इस्तेमाल किया गया, उससे जो वाइब्रेशन हुए, उस वाइब्रेशन से बच्ची तक उसका इम्पैक्ट गया और वो और नीचे चली गई है। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब और लंबा चल सकता है, 50 फीट के आसपास वो खिसक गई है। खुदाई अभी जो साइड में जो ट्रेंच खुदी है वो लगभग 28-29 फीट हो गया है अभी, लेकिन अब चूंकि पत्थर है, हार्ड रॉक है और मशीनों को काम करने के लिए रैंप बनाना है, वर्किंग स्पेस निकालना है, तो साइड में हम लोग जगह बना के उसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, क्या बच्ची और अंदर खिसक गई है, कुछ ऐसी भी बात है क्या सर? जैसे जैसे ये खुदाई का काम चल रहा है अभी धीरे धीरे बच्ची थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक रही है। सर लगभग आप कितनी हाइट, कितनी डेप्थ में बच्ची होगी सर? अभी डेप्थ का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, वही असेसमेंट कर रहे हैं। सर ये ऑक्सीजन बंद कर दी गई, सर क्या है? नहीं, ऑक्सीजन चल रही है। सर बच्ची की मूवमेंट, बच्ची की मूवमेंट चूंकि समय 12 घंटे से ऊपर हो गया है तो मूवमेंट डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी लगातार दे रहे हैं। कोशिश का जो उपयोग किया जा रहा है सर, रोप का, जो रोप से क्या हुक से हुक अप करने की, रोप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बच्ची कुछ रिस्पॉन्ड करे ताकि वहाँ पता चले और यदि वो हाथ पकड़ती है तो उससे कुछ मदद मिलेगी। 18 घंटे हो गए सर लगातार मूवमेंट, कुछ क्या? नहीं, अभी 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 फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उम्मीद है कि कुछ उसमें सफलता मिलेगी। और वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, अभी भी सृष्टि को बचाने की जो कोशिशें वो जारी हैं और बीच में ये भी जानकारी मिल रही है कि बच्ची जो है रॉक कटिंग के दौरान जो इम्पैक्ट, जो वाइब्रेशन हुआ उसकी वजह से और नीचे खिसक गई है। बिल्कुल आशीष, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि अब जो बच्ची है जो अभी तक 30 फीट की डेप्थ पे फंसी हुई थी वो अब 50 फीट से भी नीचे की गहराई तक पहुंच गई है। जो लगातार ड्रिलिंग का काम हो रहा है, मशीनों के द्वारा खुदाई का काम हो रहा है, उसका एक जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे उसके चलते अब जो बच्ची है वो 50 फीट से भी ज्यादा अंदर तक धसक गई है। यानी कि ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब और भी ज्यादा जटिल हो गया है, और भी ज्यादा जो चैलेंजेस हैं सुरक्षा दलों के सामने, बचाव दलों के सामने वो यहां पर बढ़ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो प्रयास है वो लगातार जारी है। जो पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा था वो अभी 28 फीट तक ही उसकी खुदाई जो है वो हो सकी है। और इसके अलावा अब एक दूसरे मेथड पर भी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जो रस्सियां हैं उसको हुक के जरिए जो है वो गड्ढे में अंदर भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उसमें बच्ची किसी तरह से अगर फंस जाती है तो उसको वहां से पुशअप किया जाएगा। कुछ रॉड्स भी वहां पे अंदर डाली जा रही है, लेकिन अब चुनौती बढ़ गई है। आपको पहले 30 फीट से बच्ची को रेस्क्यू करना था,
लेकिन अब आपको 50 से ज्यादा फीट की गहराई से बच्ची को रेस्क्यू करना है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 28 फीट तक जो खुदाई है वो पैरेलल गड्ढे में हो पाई है। स्ट्रेटा जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि अगर पैरेलल गड्ढे से खुदाई करने का काम की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो आज रात तक का समय भी यहाँ पे लग सकता है। लेकिन अगर बच्ची जो है वो दूसरे मेथड से अगर हुकअप हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा जल्दी ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सकेगा। लेकिन इस सबके बीच उस बच्ची की परेशानियों का अंदाजा हम शायद ही लगा पाए कि कितनी मुश्किलों का सामना वो कर रही होगी, और जो परिवार है वो अब बेहद परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले उनकी माँ यहाँ पर आई थी और उनकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा जो है वो बिगड़ रही है, और उनकी हालत को बयां करना अब मुश्किल है क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है। 17-18 घंटे के करीब ये पूरा समय हो चुका है जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और बीते 12 घंटे से मैं आपको बता दूं कि बच्ची का कोई बहुत स्टैटिक मूवमेंट या बहुत कुछ ऐसा मूवमेंट जिससे जो नोटेबल हो वो रिकॉर्ड कैमरे में फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं, दुआएं प्रार्थनाएं हैं, और भारत चमत्कारों का देश है, चमत्कार होते भी हैं और कई मामलों में सफलता भी मिली है। लेकिन यहाँ कितनी सफलता मिल पाती है और कितनी जल्दी मिल पाती है ये बड़ा सवाल है। अभी भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर चालू हैं, ऑक्सीजन लगातार गड्ढे में पहुंचाई जा रही है, कैमरा अंदर भेजा गया है, कैमरे के जरिए एक मॉनिटर पर जो आउटपुट मिल रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, और उसी के जरिए अब कोशिश हो रही है कि बच्ची का जो सही एंगल पे जो हुक है वो सही एंगल तक जाए और बच्ची को उसमें फंसाकर लिफ्टअप किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी जो चुनौतियां हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रही है क्योंकि 50 से 60 फीट पर पूरी तरह से वहां पर अंधेरा है और इस तरीके से जो विजन है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक बड़ी मुसीबत है। 300 फीट गहरा ये बोर है और इस बात को लेकर हम लगातार चिंता जता रहे थे कि बच्ची अगर 30 फीट पर है तो वहां से अगर उसको निकाल लिया जाता है तो थोड़ा सा आसान जरूर रहेगा, लेकिन जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, आखिर वही हुआ कि बच्ची अब सरक कर और भी ज्यादा नीचे जा चुकी है, और भी ज्यादा अंदर जा चुकी है, जिसके चलते ये जो पूरा ऑपरेशन है वो अब और भी ज्यादा जटिल हो गया है। और अब देखिए ये हाई राइज टेम्परेचर का समय है, रात में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मुसीबतें हैं वो भी और भी ज्यादा बढ़ेंगी, और निश्चित तौर पर थोड़ी सी और परेशानियों का सामना यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको यहाँ पे करना पड़ सकता है। बहरहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से रस्सियां जो है वो अंदर भेजी जा रही है, रॉड्स जो है वो जो पाइप्स हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से बच्ची को यहां से निकाला जा सके, बच्ची को हुकअप किया जा सके। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन का अमला हो, पूरी रात भर से काम यहां पर लगातार जारी है, कोई भी सोया नहीं है, अपने पूरे एफर्ट्स यहां पर देते हुए मशीनरी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अब तक जो सफलता है वो दूर है। और इसकी वजह सिर्फ कुछ लापरवाह लोग हैं जिनकी एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की जान पर यहां पर बन आई है और जान उस बच्ची की जोखिम में अटकी हुई है। चूंकि चुनौतियां भी आगे बढ़ने वाली हैं और बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास हैं हम उम्मीद करते हैं वासु जल्द सफल हो, सृष्टि को सकुशल बाहर निकाला जा सके, इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और आप नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास वासु। बढ़ते हैं आगे और कांकेर से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल कांकेर में भालू के आतंक से लोगों में दहशत है, दरअसल रात में आवासीय इलाके में भालू पहुंच रहा है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, घर के सामने दरवाजे पर भालू बैठा हुआ है, शहर में भालुओं के आने से लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, भालू जो है वो घर के सामने ही है और वहां रखी हुई जो चेयर है, प्लास्टिक की कुर्सी है, उसके साथ वहां पर वो कुछ खेल रहा है या क्या कर रहा है ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि शरीर को रगड़ रहा है उस कुर्सी के साथ। खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खेम नारायण, कुर्सी के आसपास भालू नजर आ रहा है और उस भालू के घर के आसपास होने का मतलब है परिवार वालों की जान पे खतरा। वन विभाग क्या कर रहा है, क्या कह रहा है परिवार, या क्या कोशिश हो रही है भालुओं को जंगली इलाके में ही रखा जाए, रिहायशी इलाकों में आने से रोका जाए? जी आशीष, बिल्कुल सही बात है। और कांकेर शहर के जो शहर है वहां पर जिस प्रकार से रोजाना भालू जो है रिहायशी और आवासीय इलाकों में पहुंच रहे हैं, अमूमन देखा ये जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना अभी तक तो घटी नहीं, लेकिन पहले कई बार ऐसी
स्थिति आई है कि जब भालू ने इंसानों के ऊपर हमला किए हैं तो काफी नुकसान भी हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग जो है इन्हें दूर करने के लिए बात करती है, प्रयास करती है। कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं कि इन वन्य प्राणियों को इंसानों से दूर रखा जाए और इंसानों को वन्य प्राणियों से दूर रख के उनको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इनकी जो योजनाएं हैं वो फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि वन विभाग जो है इन्हें खदेड़ कर बाहर निकालने की बात तो जरूर करती है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से ये वन्य प्राणी जो है रिहायशी और आवासीय इलाकों में आते हैं और काफी उत्पात मचाते हैं। और शाम होते ही भालू जो है आवासीय इलाकों की ओर रुख करने लगते हैं और लोगों को अपने घर के किवाड़ दरवाजे और सब बंद करके रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी भालू जो है किसी भी प्रकार से घर के अंदर घुसने का प्रयास करता है और लोग जो है दुबक कर जो है घर के अंदर रहते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं और वायरल कर रहे हैं। और काफी अब तक जो इस प्रकार कभी कभी दिन दहाड़े भी जो है तो ये चिंताजनक है खेम नारायण, लेकिन लोगों को इससे बचाव के लिए वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है ये भी देखने का एक विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली अहम खबर का। दमोह से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि स्याही फेंके जाने के मामले में डीईओ थाने पहुंचे कोतवाली, देर रात कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कराया गया। कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल दमोह में स्याही फेंके जाने के मामले में डीईओ थाने पहुंचे और देर रात कोतवाली थाना पहुंचकर इस पूरे मामले को लेकर इसकी शिकायत दी गई है और मामला दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आशीष, अभी की क्या स्थिति है? अभी चूंकि मामला दर्ज करा दिया गया है, क्या उसके अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्याही जो फेंकी गई थी जिला शिक्षा अधिकारी पर, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा यह स्याही फेंकी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी से खफा थे और इस मामले को लेकर के उनके द्वारा जब स्याही फेंकी गई तो स्याही फेंके जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी का बयान भी सामने आया था, उनके द्वारा कहा गया था। तो वही रात में वो कोतवाली थाना पहुंचे, कोतवाली थाना पहुंच करके विभिन्न धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उनके द्वारा मामला भी कायम कराया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा इस घटना की न केवल निंदा की गई, तो वहीं दमोह के जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा कारण बताओ नोटिस 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर किया गया, जिसमें अमित बजाज गोलू, मोंटी रखवार और संदीप शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, जिस तरह से प्रशासन हिजाब मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रही है, उस तरह से यदि इस तरह स्याही फेंका जाना निश्चित ही निंदनीय है और इस मामले पर अब डीओ के द्वारा कोतवाली पहुंच करके मामला दर्ज कराया गया है। आशीष जी, बिल्कुल, और ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित रूप से अभी इस पर और जांच की जरूरत है और क्या कुछ आगे स्थिति रहती है ये डिटेल्स भी हम आपसे लेंगे। ही साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि स्याही फेंकने के मामले में डीईओ थाने पहुंचे और अभी देर रात जो कोतवाली थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया, उसके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, हमारे सहयोगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर। अब वो जो आज की घटना घटित हुई है उसके संबंध में हम कार्रवाई चाहेंगे। किसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, क्या आवेदन दिया? ये जो 4 लोग थे उनमें से मैं 2 को पहचानता हूँ, उनके नाम और बाकी उनके साथियों के नाम, क्या हुआ? तो मैं तो कार्रवाई करने का निवेदन करने आया। कोतवाली में सर आवेदन दिया कि एफआईआर कराई है? वो FIR ही होगी, हम शासकीय अधिकारी हैं, कार्य में वादा आधा डालने का जो होगा वो मैं लिखूंगा और उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। और बलरामपुर में आंधी और तूफान, बारिश और बिजली लगातार जारी है। दरअसल पावर सप्लाई यहां पर इसकी वजह से ठप पड़ गई है, कई जगहों पर बिजली के पोल टूटकर गिर गए हैं, तार टूट गए हैं। रामानुजगंज नगर में ब्लैकआउट की स्थिति आ गई है और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
और लोगों में गुस्सा है। बलरामपुर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां कई जगहों पर आंधी तूफान और बारिश की जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से पावर कट हो गया है, क्योंकि तार टूट गए हैं, पावर सप्लाई रुक गई है। और बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, नदी में नहाने के लिए गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खरपड़ा नदी में ये बच्चे नहा रहे थे और खरपड़ा नदी में नहा रहे 4 बच्चों में, जिसमें एक बच्चा झाड़ियों में फंस गया तो उसकी जान बच गई और 3 बच्चों की ज्यादा गहराई में डूबने से मौत हो गई। घटना के समय 4 बच्चों के घर पर कोई नहीं था। 3री और 5वीं कक्षा के दरमियान ये बच्चे बताए जा रहे हैं। और साईखेड़ा के ढोढरा मोहरार गांव की ये घटना है और इस दुर्घटना में 3 बच्चे डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बैतूल से एक बड़ा और दुखद मामला सामने आया, जहां खरपड़ा नदी में नहा रहे 4 बच्चों में से 3 बच्चे डूब गए, जबकि जो एक बच्चा है वो झाड़ियों में किसी तरह से फंस गया, उसकी जान बच गई और 3 बच्चों की ज्यादा गहराई में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के समय 4 बच्चों के घर पर कोई नहीं था। साईखेड़ा के ढोडरा मोहार गांव का ये पूरा मामला है। नदी में नहाने के लिए ये बच्चे गए हुए थे, नदी में नहा रहे थे। बैतूल का ये मामला है और नदी में नहाने के दौरान जो ये बच्चे थे, जो कि करीब 3री से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे बताए जा रहे हैं, कोई 3री में, कोई 4थी में, तो कोई 5वीं में, इस तरह से ये 3 ही बच्चे बताए जा रहे हैं और इनके घर पर कोई नहीं था। बच्चों ने नदी नहाने का फैसला किया और नदी नहाने के लिए चले गए और वहाँ पर डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जो झाड़ियों में फंस गया था किसी तरह से उसकी जान बच गई। तो ये जो पूरा मामला है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस पर पूरी जानकारी हम आप तक देर पहुंचा रहे हैं। और बच्चों का खास ख्याल रखें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है और अन्यथा इस तरह की दुर्घटनाएँ बहुत ही गंभीर। ये मामला साईखेड़ा के ढोडरा मोहार गाँव का ये पूरा मामला, जहाँ 3 बच्चे नदी में नहाते वक्त डूब गए और एक बच्चा जो झाड़ी में फंस गया था उसकी जान बच गई किसी तरह से। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई जाएगी। दरअसल 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद टॉपर छात्र ले सकेंगे। 10 जून को सीएम आवास पर ये टॉपर छात्रों का सम्मान किया जाएगा। छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ 1.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा और ये आगे उनकी पढ़ाई में काम आएगा। और आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई जाएगी। 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद उन्हें दिलाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब रिजल्ट आया था उसी वक्त ये घोषणा कर दी थी कि चॉपर तैयार है और अब वो चॉपर 10 जून को उड़ेगा और जो टॉपर्स हैं उन्हें जॉय राइड कराई जाएगी हेलीकॉप्टर से और साथ साथ ही उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनकी पढ़ाई में सहयोग के लिए। और मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और सीएम आवास पर इन छात्रों का सम्मान होगा। और साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड छात्रों को कराई जाएगी, जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स के लिए ये एक अच्छा मौका। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। और युगल, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, अब जो जॉयराइड है कितने बच्चे इसमें जाने वाले हैं, कितने छात्र कितनी छात्राएं और क्या कुछ हैं डिटेल्स? जी आशीष, देखिए बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनके उत्साहवर्धन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी उसी के हिसाब से जॉयराइड में ये सभी बच्चे आनंद लेंगे। 10वीं और 12वीं की ये टॉपर है, अभी फिलहाल सूची है वो बनाई जा रही है और जिस तरह से पहले भी जो छात्र छात्राएं टॉप किए हैं सभी टॉपर बच्चों को इस तरह से जो हेलीकॉप्टर में सैर कराया जाता है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्साहवर्धन है और सभी टॉपरों को प्रमाण पत्र के साथ साथ 1.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये राज्य सरकार की ऐसी योजना है जिससे बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल, और वो पैसे उनके आगे स्टडी में काम आएंगे और ये जॉय राइड उनके सपनों की ऊंचाई को तय करेगा और उत्साहवर्धन के लिए जॉय राइड काफ़ी अहम होती है। और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मवेशी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने 78 मवेशियों को मुक्त कराया, गरघोड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला। दोनों आरोपी लैलुंगा थाना का रहने वाले बताए जा रहे हैं।
लैलोंगा थाना के रहने वाले ये आरोपी हैं। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर, निलंबित सहायक लेखपाल जगदीश कुशवाहा बर्खास्त कर दिए गए हैं। फर्जी तरीके से फसल बीमा राशि निकालने का ये आरोप है इन पर। 36 लाख रुपए जमा नहीं करवाने पर कार्रवाई, शाखा प्रबंधक समेत 4 कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें कि भैयाथान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ये मामला मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी अंबिकापुर ने कार्रवाई की। और जगदलपुर से बड़ी खबर, घर में नागराज के घुस जाने से लोगों में डर है, दहशत है, स्वाभाविक है, हो भी क्यों ना। दरअसल जो परिवार के लोग घर में रह रहे थे वो सांप के आ जाने से घर छोड़कर बाहर निकल गए और पड़ोसी के घर पूरी रात उन्होंने बिताई। दरअसल सुबह जब रेस्क्यू के लिए शख्स आया, उसके बाद जब सांप को निकालकर रेस्क्यू किया गया, तब कहीं जाकर घर में वे वापस लौटे। दरबा ब्लॉक के केशपुर पंचायत का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देखिए, जगदलपुर से सामने आई तस्वीरें जहां पर नागराज घर के अंदर मौजूद थे। और नागराज जब घर के अंदर मौजूद थे तो घर वालों की सांस अटकी हुई थी, हालांकि घर वाले पड़ोसी पहुंचे और रात उन्हें वहां गुजारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय खबरों के लिए आगे दिखाएंगे आपको सुपर 10।